पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्रीगण के अंदर गुस्सा बहुत है, ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, बस उगल दिया सऊदी अरब के खिलाफ, धमका दिया सऊदी अरब को विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद मंत्रालय की तरफ से सफाई और अब पाक आर्मी चीफ को जाना पड़ रहा है माफी मांग। जी हाँ, पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द ही रियाद के दौरे पर जाने वाले हैं। इसको लेकर हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि बाजवा का ये दौरा पक्का है और सऊदी अरब को मनाने की कोशिश की जाएगी। दोनों देशों के बीच में तल्खियां बढ़ गई है। तल्खी क्या, पाकिस्तान के अपने प्रति रवैये के बाद सऊदी अरब ही पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है। पहले सऊदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ 6.2 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल डील रद्द की और उसके बाद उधार तेल गैस देने पर भी रोक लगा दी। पाक आर्मी चीफ ने सोमवार को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत एडमिरल नवाफ बिन सईद से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि मुलाकात के दौरान पारस्परिक हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मामले पर चर्चा की गई। इस बैठक को लेकर ये नहीं बताया गया कि क्या कुरैशी के बयान को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई बात हुई। पाकिस्तान की अकल ठिकाने आनी जरूरी भी है, तभी तो सऊदी अरब की नाराजगी तो जायज है ही, और फिर पाकिस्तान में भी तो कुरैशी के बयान की सार्वजनिक निंदा की जा रही है। अब हालात ऐसे हो चले हैं कि मीडिया के सामने आने से भी कुरैशी बच रहे हैं कि कहीं मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अब उच्च स्तरीय डेलीगेशन को रियाद भेजेगा। अगर सऊदी ने पाकिस्तानी वर्कर्स को देश वापस भेजने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान तुर्की, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी की जगह दूसरा इस्लामिक हब बनाना चाहता था, जो रियाद ने होने नहीं दिया। सऊदी अरब की इन्हीं सब गतिविधियों से गुस्साए कुरैशी ने सऊदी को चेतावनी दे डाली। अब आपको पाक विदेश मंत्री की चेतावनी पर विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई सफाई बताते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका बयान देश के लोगों की ओआईसी से कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की इच्छा और आकांक्षा को दर्शाता है। प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा था, देश के लोगों को ओआईसी से काफी अपेक्षा है, वो चाहते हैं कि ओआईसी कश्मीर के मुद्दे को दुनिया भर में उठाए। इस संबंध में हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अब आपको बताते हैं शाह महमूद कुरैशी के वो तल्ख शब्द जो उन्होंने कश्मीर पर एक्शन न लेने के लिए सऊदी अरब के खिलाफ उगले थे। कुरैशी ने कहा था, ओआईसी कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक बुलाने पर हीला हवाली बंद करे। पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव बना रहा है। कुरैशी ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अनुरोध पर खुद को कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन से अलग कर लिया था और अब पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर अपना नेतृत्व दिखाए। अगर ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है तो इससे कश्मीर पर भारत को इस्लामिक देशों की तरफ से स्पष्ट संदेश जाएगा।